हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर। न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आजकल के लोग जानना चाहते हैं हाउ टू क्लाइंब दी रोप, रस्सा कैसे चढ़ते हैं, बड़ा ईजी स्टेप्स आज मैं इसमें कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली हमारा रोप क्लाइंबिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारी स्ट्रेंथ, जितनी अच्छी स्ट्रेंथ हमारे शोल्डर के अंदर होगी उतना ही इजीली हम इसको कवर कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इजी टिप्स बताऊंगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, शायद ये आपको हेल्पफुल हो इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं चिन अप से। सबसे पहले आप वार्म अप करना ना भूलें। वार्म अप बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि वार्म अप के बाद हमारी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है। फ्लेक्सिबल होने के बाद हमारी इंजरीज कम से कम होंगी। तो स्टार्ट करें चिन अप से। तो यहाँ पर मैंने चिन अप्स 5 करी हैं। जैसे बिगनर्स जितनी भी कर सकता है उसे स्टार्ट करे, 1, 2, 3, 4 जितनी भी कर सकता है करे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी चिन अप्स इंक्रीज होगी हमारा स्टेमिना बूस्ट होगा, स्टेमिना बूस्ट होगा हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो हमारा सेकंड स्टेप है इंक्लाइन पुशअप्स। तो इसमें हमारा डिप्स के अंदर हम क्या देखेंगे, बेसिकली जो बिगनर्स हैं जैसे वो इंक्लाइन नहीं कर पा रहा तो वो सिंपल डिप्स भी कर सकता है। तो मैं इंक्लाइन से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने 10 डिप्स करी हैं। जैसे बिगनर्स जितनी भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में उतना करें। तो उसके बाद आपको एटलीस्ट चिनअप्स के और डिप्स के कम से कम जितने आप सेट कर सकते हैं 4 या 5 उतने आप मिनिमम करिए। उसके बाद डेली बेसिस पर आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइट, आप अपनी डाइट पे जितना हो सके उतना फोकस करें। जितना आप लाइट फूड, जितना अच्छा फूड आप इनटेक करेंगे उतने आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती जाए चली जाएगी। उसके बाद हम लास्ट स्टेप पे चलते हैं रोप। रोप पे हम सबसे पहले स्टेप देखेंगे जैसे बिगिनर्स के लिए। सबसे पहले आपको चेक करना है कि चेस्ट के सामने हमारे हैंड होने चाहिए। जितने हम छोटे स्टेप कवर करेंगे उतना ही इजी हमारे लिए ये कवर करना इजी हो जाएगा, तो हम अपना बॉडी इजीली पुल कर पाएंगे अपने साथ। तो ये कम से कम बेसिकली जो रोप होता है हमारा ये 10 फुट के आसपास का ही होता है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम थोड़ा सा कवर करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हम जो नहीं कर पा रहा है वो थोड़ा थोड़ा कवर करना स्टार्ट करेगा। फिर उसके बाद सेम स्टेप्स हमें उतरते हुए भी कवर करने हैं। तो यहाँ पर देखा आपने जैसे स्टेप्स मैंने पहले थोड़े से स्टार्ट करना है, कम से कम रोप कवर करना है उतने आपको सेम स्टेप से नीचे भी उतरना है, क्योंकि आपको कभी भी रोप को एकदम से नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप एकदम छोड़ेंगे तो आपके हाथ जल सकते हैं क्योंकि स्किन आपकी बर्न हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है उतरते हुए सेम स्टेपिंग का यूज़ करना है। तो लास्ट में आप देखेंगे कुछ दिनों बाद, 2 हफ्ते बाद आप थोड़ा इसमें इजीली कवर करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे आप इजीली कवर करना स्टार्ट कर देंगे तो बाद में 1, 2, 3, 4 सेट भी आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पूरा कवर करेंगे इसको, उसको देखेंगे कैसे करना हमें। अगर बाई चांस आपको बीच में हेल्प की जरूरत है तो उसमें आपका आप अपने पैरों का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको रोप पे कवर कर सकते हैं अपने पैरों से, जिससे आपको थोड़ा आराम मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, लास्ट कवर करते हैं। तो आपने देखा लास्ट में हमने छोटे से छोटे स्टेप लिए, बड़ा इजली कवर हो गया है। तो आपको डेली आपको यूज करना है चिन अप्स, पुल अप्स, लास्ट में रोप, और पोस्ट के तो रनिंग भी करें, क्योंकि रनिंग से आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। स्टेमिना इंक्रीज होगा तो आपको स्टोमक पर इफेक्ट आएगा, इफेक्ट आने से आप इजली इसको कवर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।
सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।